नॉक्चर्नल एनालिसिस, बेड वेटिंग, बेड गिल्ला करना, इसके बारे में बात कर रहा हूं, भाग तीन पार्ट थ्री। जैसा पहले मैंने बताया, पहला पार्ट वन पार्ट टू तो करना ही है, और उसके साथ साथ और एक रिवार्ड मेथड करना है, एक्नॉलेजमेंट मेथड, रिवार्ड मेथड। वो क्या है? एक हमने टाइम टेबल बनाने का, एक चार्ट बनाने का एक्सेल शीट के ऊपर, उसके ऊपर लिखना है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सब डेज लिखो। उसके सामने लिखना है कि मंडे रात को क्या किया, तो मंगलवार को सुबह उठ के हम देखेंगे कि सोमवार को रात को उसने क्या किया, ऐसा मंगलवार को सुबह देखेंगे। मंगलवार को सुबह ऐसा मालूम पड़ा कि उसने बेड गीला किया है, तो उसको मंडे के सामने लिखेंगे जीरो। अंडा, उसको अंडा मिला, जीरो मिला, बाकी बोलना चलना कुछ नहीं है, मतलब उसको अप्रिशिएट करेंगे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मगर ट्यूसडे सुबह उठने के बाद में ऐसा दिखा कि नहीं, उसने बेड गीला नहीं किया है, तो फिर क्या करेंगे, उसको देंगे स्टार, एक स्टार देंगे। एक स्टार जो है वो उसको कमाने का है, अभी कितने स्टार कमाएंगा वो देखना है। जब उसको स्टार मिलता है तो सुबह फिर उसको स्टार लिखेंगे और वो दीवार के ऊपर चिपकाएंगे मंडे टू संडे, और स्टार दिखेगा सबको, घर वालों को भी, घर वाले उसकी तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, शाबाश बोलेंगे, वाह क्या बात है, स्टार मिल गया, तूने बेड वेट नहीं किया वगैरह वगैरह, उसको अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। और सेकंड डे फिर वेनसडे उठें, वेनसडे उठने के बाद में फिर उसको यदि बेड गिला उसने नहीं किया है तो फिर स्टार मिल जाएगा, और यदि बेड गिला किया है तो जीरो मिल जाएगा। थर्सडे भी ऐसे ही करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, रोज ऐसे ही करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एक हफ्ते में कि भाई कितने स्टार मिले सात दिन में से, सात दिन में से पांच स्टार है और दो जीरो है, ठीक है, पांच स्टार है तो उसको 100 रुपीज के हिसाब से पांच स्टार के 500 रुपये उसको दिया जाएगा। अब बच्चे को जो भी खर्चा करना है, जो भी उसको अपने लिए खर्चा करना है, उसके कपड़े होंगे, उसके किताबें होंगी, जो भी कुछ होगा वो उसमें से खर्चा करेगा। उसको कमाने का है पैसे, और पैसे कैसे कमाने का है, ये मेथड से, ताकि उसको मालूम है कि अपने को खाना भी है, चॉकलेट भी लेना है, जो भी कुछ आइसक्रीम खाना है, जो भी कुछ करना है वो उसने पैसे कमा के अर्न करना है पैसे, और वो अर्न कैसे करना है, ड्राई होके, और पैसे कमा के फिर वो खरीदना है। तो ये रिवार्ड मेथड है, ये रिवार्ड मेथड से बहुत फायदा होता है। पहले ऐसा हो सकता है कि पहले सातों दिन जीरो जीरो मिल रहा है, कुछ नहीं बोलने का, हो सकता है फिर अगले हफ्ते में एक बार स्टार मिला, बाकी 6 बार जीरो मिल गए, स्टार मिल गए, वाह वाह करने की, उसको 100 रुपये देने का है। इस तरह से आप एक्नॉलेज करेंगे उसको, उसको रिवार्ड करेंगे, तो ये रिवार्ड मेथड जो है ये बहुत बहुत ही अच्छी मेथड है, ये बहुत अच्छी काम करती है, जिससे आपको क्लिनिकली बहुत ज़्यादा फायदा पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।